राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को 4 दिन हो गए हैं और अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सिविल डिफेंस के लोग भी दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए उतर आए हैं। दरअसल लॉकडाउन में हर किसी को अपने घरों के अंदर रहना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस जैसी महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे और लापरवाही करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अब इस कार्रवाई में अकेली नहीं है। दिल्ली पुलिस का साथ देने के लिए अलीपुर इलाके में सिविल डिफेंस की भी एक टीम पहुंच चुकी है, जिन्हें आज अलीपुर इलाके में ही ट्रेनिंग दी गई और अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग लेने के बाद सिविल डिफेंस के सैकड़ों कर्मचारी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के बाद भी कोरोना वायरस जैसी बीमारी को गंभीरता से न लेते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए सिविल डिफेंस में ना हमारे यहाँ पे जो सब डिवीज़न हम लोगों ने बना रखी है, 3 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 3 सब डिवीज़न है। तो हम लोग देख रहे हैं अलीपुर सब डिवीज़न में 3 थाने हैं, अलीपुर, साबरडेरी और स्वरूप नगर। तो हमने एरिया वाइज लड़कों को बांट दिया है, जो लोगों को जागरूक करेंगे, जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको डिस्बर्स करेंगे कि इकट्ठा ना हो, उनको समझाएंगे कि क्योंकि सभी स्थिति से सबको पता है स्थिति कितनी ख़राब है और ये वायरस कितना खतरनाक है। तो जितना हम लोग बचे रहेंगे, जितना हम लोग लोगों को बचा पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं। सिविल डिफेंस का हमेशा काम ये रहता है कि हम जो भी आपदा आती है, जो भी समस्या आती है, उसको कम करने की कोशिश करने का ये हमारा ध्येय होता है और वही हम लोग कर रहे हैं। और ये बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा दी गई है? इन बच्चों के लिए हम लोगों ने अभी मास्क हम लोगों को देंगे और बस अभी तक मास्क ही हम दे पाएंगे इनको। कितने बच्चे बुलाए थे आज यहाँ? हम लोगों ने 271 बच्चे थे टोटल ये, लेकिन कुछ कम आए हैं। 201